हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट कार्ट बाय सोनी। बड़े ही लंबे टाइम के बाद मैंने आज ये वीडियो शूट किया है और इसे शूट भी कर लिया और मैंने रेडी भी कर लिया था, लेकिन मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा बिजी चल रही थी। एक्चुअली हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए हैं, तो शिफ्टिंग के चक्कर में मैं वीडियोस पे ध्यान ही नहीं दे पाई थी, और उसके बाद फिर जो फैमिली फंक्शंस हैं कुछ उनमें बिजी हो गए थे। तो अभी मैंने फिर से कंटिन्यू किया है वीडियो डालना। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। प्लीज़ अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो कि हम उसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज ए वॉल हैंगिंग भी उसे यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली तो मैंने ये वैसे मदर्स डे के लिए बनाया था, लेकिन इसमें मैंने फिर एक और ऐड कर दिया है कि हम इसे फ्रिज के लिए, फ्रिज मैग्नेट जो होती है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके पीछे अगर हम मास्किंग टेप लगा के इसे फ्रिज के साथ अटैच करेंगे या डबल साइडेड टेप के साथ, तो वो बड़ा ही सुंदर लगेगा। और इसे मैंने कार्डबोर्ड से ही बना के रेडी किया है। अभी ये देखिए, ये हमारी मदर और डॉटर जो है वो बन के रेडी हो चुकी हैं। और इसे हम कंप्लीट करने के लिए, इसकी जो आउटलाइंस हैं उन्हें और डिटेलिंग के लिए हम ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रहे हैं। और देखिए आप फाइनली इसका लुक, ये साइड से इस पर ब्राउन कलर करने के बाद ये फुल कंप्लीट हो जाता है। और इसे हमने वुडन लुक दिया है, ये ऐसा फील हो रहा है जैसे ये वुडन का है। अब ये जो सेकंड वाला है, इसके लिए मैं सोच रही थी कि इस पर क्या ऐसा बनाया जाए जो कि थोड़ा पॉजिटिविटी लाए। तो मैंने इस पर लिखा स्प्रेड पॉजिटिविटी, और इसके साथ ही एक चाय का कप बनाया। और ये जो बन के रेडी हो जाएगा, ये फ्रिज मैग्नेट बड़ा ही सुंदर लगेगा। आप इसे वैसे एज ए वॉल हैंगिंग, फ्रिज मैग्नेट और गार्डन डेकोरेशन के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, बट मैंने तो इसे अभी तो वॉल हैंगिंग के जैसे ही बनाया है। बाद में मैं इसे कट करके फ्रिज पे भी लगा लूँगी और इसे गार्डन भी डेकोरेट कर सकती हूँ। आप इसे जो चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। ये मेरे पास कुछ बची हुई ऊन पड़ी है, तो इसे मैं वो नीचे लटकाने के लिए टी-शर्ट जो है वो बना के रेडी करूँगी। दोनों के लिए वो मैंने रेडी किए हैं, क्योंकि अभी उसे मुझे एज ए वॉल हैंगिंग के लिए यूज़ करना है। वैसे हम उसे वॉल ना कर पे हैंग ना करके उसे हम अगर फ्रिज पे भी हैंग करेंगे तो भी वो अच्छा ही लगेगा। ये मैंने बना के रेडी कर लिए हैं वूलन से। ये देखिए, ये बीड्स हैं, ये मैंने खुद से बना के रेडी किए हैं। मेरे पास जो भी क्ले, जब मैं क्ले वर्क करती हूँ तो मेरे पास जो भी क्ले रह जाती है, तो उसके मैं बीड्स या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें बना के रख देती हूँ जो कि मेरे फ्यूचर में जो भी मेरे क्राफ्ट्स बनने वाले होते हैं उनके साथ वो यूज हो जाते हैं। इस पर मैंने कलर बना के, कलर करके इसके रेडी किया। देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। इसी तरह से आप लोग मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।